Children, in today's class, we shall start with question number 4 of exercise 12.1. The very fourth question is, evaluate 8 to the power minus 1 into 5 to the power 3 divided by 2 to the power minus 4. Okay, so what do we do in these type of questions? We write the prime factorization of the numbers where we can find. So here we take 8 and write the prime factors of it. So it becomes 2 into 2 into 2, okay, to the power minus 1, yeah, as it is, into 5 to the power 3 upon 2 to the power minus 4. Okay, this is further equal to, we can write this as 2 into 2 into 2, matlab we can write this as 2 to the power 3 whole to the power minus 1 into 5 to the power 3 upon ये as it is 2 to the power minus 4. ठीक है, अब आप देखो, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 into minus 1, क्योंकि हमें क्या पता है, लॉ पता है कौन सी, we know that a to the power m to the power n is what, a to the power m into n. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write this as 2 to the power 3 into minus 1 into 5 to the power 3 upon 2 to the power minus 4. ठीक है, इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, 3 into minus 1 is minus 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power minus 3 into 5 to the power 3 upon 2 to the power minus 4. ठीक है, अब देखो, बेसिस आर सेम, डिविजन साइन इन बिटवीन, सो क्या है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक, कौन सी लॉ है हमारी, ये ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन. अभी मैंने ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये होगा क्या, एक्चुअली यही होगा, तो हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, तो हमको यूज करते हैं ये फॉर्म और हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका. तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टू टू द पावर माइनस थ्री, ये तो ये वाला एक्सपोनेंट हो गया, फिर हम लगाएंगे माइनस का साइन और फिर हम ये वाली पावर लिखेंगे विच इज माइनस फोर. ठीक है, इनटू 5 टू द पावर 3, ये हमने लॉ यूज किया है, बेसिस आर सेम, डिवीजन साइन इन बिटवीन, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, सो दिस बिकम्स व्हाट, 2 टू द पावर माइनस 3 और ये क्या हो गया, प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्लस हो गया और इसका एडिटिव इनवर्स लिया तो 4 हो गया, तो माइनस 3 प्लस 4 इनटू 5 टू द पावर 3. अब क्या हुआ, सॉल्व करो इसको, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, बड़ा नंबर 4, साइन प्लस, तो ये क्या हुआ, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3. 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5, तीन बार हो गया, सो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 2 250. मैंने इंटू 2 क्यों बोला, क्योंकि 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 ही होती है, तो आंसर हमारा आ गया 250. इज इट क्लियर, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 6 टू द पावर माइनस 1. ठीक है, अब आप ये देखो, बेसिस डिफरेंट है मगर पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 टू द पावर माइनस 1. हमने लॉ कौन सा यूज़ किया, यहाँ पे हमने लॉ यूज़ किया ए टू द पावर माइनस एम इंटू बी टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर माइनस एम. ठीक है,
तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 टू द पावर माइनस 1। अगेन अब देखो बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, सेम यही वाली लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, सेम यही लॉ यूज़ किया, जो ये है वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 10 इंटू 6 रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब 10 इंटू 6 क्या है, 60 रेज टू द पावर माइनस 1। अब हम कौन सी लॉ यूज़ करेंगे, ए टू द पावर माइनस एम दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर एम, ये लॉ यूज़ करेंगे हम। ये लॉ यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। नाउ लेट अस टेक द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट डू वी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एम टू द 5 टू द पावर एम डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। नाउ यू सी हियर द बेसिस आर सेम, डिविजन साइन इन बिटवीन, सो यू सब्ट्रैक्ट द पावर्स। सो व्हाट डू यू गेट हियर, 5 टू द पावर एम माइनस माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, लॉ कौन सा यूज किया हमने, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर एम प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ओके, नाउ हियर द बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम वी ओमिट द बेसिस एंड इक्वेट द पावर्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिंस बेसिस आर सेम, इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट, वी गेट एम प्लस 3, ये वाला वी गेट एम प्लस 3 इज इक्वल टू 5। वी राइट दिस एज वी गेट एम प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू 2। ये 3 इधर शिफ्ट हो गया तो 5 माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 3 क्या है, 2 है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एम इज 2। इज दिस क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। This is 1 upon 3 raised to the power minus 1 minus 1 upon 4 raised to the power minus 1 and whole to the power minus 1। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 upon 1 raised to the power 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 upon 1 raised to the power 1। क्यों? क्योंकि हम क्या लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, a upon b raised to the power minus m is equal to b upon a raised to the power m। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 upon 1 raised to the power 1 minus 4 upon 1 raised to the power 1। ठीक, अब होल raised to the power भी है minus 1। अब 3 upon 1 3 है और उसका power 1 मतलब ये 3 हो गया, 4 upon 1 क्या है, 4, और 4 की पावर 1 मतलब 4 हो गया रेज टू द पावर माइनस 1। अब 3 माइनस 4 क्या हुआ, माइनस 1, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ऑपोजिट साइन से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1, 1 बड़ा नंबर 4 साइन माइनस, तो आ गया माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 अपॉन माइनस 1 रेज टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लॉ यूज किया, ए टू द पावर
माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू द पावर एम. यहाँ पे ए क्या है माइनस वन और एम क्या है वन. ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से. सो व्हाट डू यू गेट हियर, वन अपॉन माइनस वन, क्योंकि इसकी पावर वन मतलब सेम ही रहेगा, और वन अपॉन माइनस वन क्या है, इट इज माइनस वन. सो दिस इज द सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द आंसर इज माइनस वन. ऑल राइट, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइव अपॉन एट रेज टू द पावर माइनस सेवन इंटू एट अपॉन फाइव रेज टू द पावर माइनस फोर. अब आप देखो ये दोनों बेसिस भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ ये दिखती है कि ये फाइव अपॉन एट है और ये एट अपॉन फाइव है, मतलब रेसिप्रोकल है. तो या तो हम दोनों को फाइव अपॉन एट बना लें या दोनों को एट अपॉन फाइव बना लें. तो मैं क्या करती हूँ, इस एट अपॉन फाइव को फाइव अपॉन एट बना लेती हूँ. तो वो कैसे होगा, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया फाइव अपॉन एट रेज टू द पावर माइनस सेवन, और इसमें लॉ यूज कर दिया ए अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस एम, तो वो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए रेज टू द पावर एम, ये वाली हो गई ना लॉ, ए अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस एम दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेज टू द पावर एम, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया और ये पावर पॉजिटिव हो गई. तो यहाँ पे ये क्या हो गया फाइव अपॉन एट रेज टू द पावर फोर. ठीक है, नाउ बेसिस आर सेम, मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन, पावर्स विल बी एडेड. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाइव अपॉन एट टू द पावर माइनस सेवन प्लस फोर. हमने क्या लॉ यूज़ किया यहाँ पे, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ये लॉ यूज़ की है. तो ये क्या हो गया फाइव अपॉन एट रेज टू द पावर माइनस थ्री, क्यों, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट किया, सेवन और फोर को सब्ट्रैक्ट किया थ्री आया, बड़ा नंबर सेवन साइन माइनस, तो ये हो गया माइनस थ्री. फर्दर इसको कैसे कर सकते हैं, फाइव अपॉन एट रेज टू द पावर माइनस थ्री, ये वाली लॉ यूज की, तो क्या हो गया एट अपॉन फाइव रेज टू द पावर थ्री. लॉ लिखते हैं यहाँ पे ए टू द पावर ए अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेज टू द पावर एम. आपको हमेशा लॉ लिखना ज़रूरी है, जो भी लॉ आप जहाँ यूज़ करते हो, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ, ए टू द पावर थ्री अपॉन फाइव टू द पावर थ्री, ये जो पावर थ्री है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ऐसे लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने इवेल्यूएट मतलब हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए इसको फर्दर फिर से सॉल्व करेंगे, एट इंटू एट इंटू एट अपॉन फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, एट इंटू एट इंटू एट इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इज वन ट्वेंटी फाइव. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. With this, I wind up my class. In the next class, we shall start with the next question.